तो नानक कहते हैं नानक हौ में मेट समाए. सो इराडिकेटिंग ईगोइज्म, ये हौमे को खत्म करना है, ये हौमे जो है ये फिर ना आए. तो मिस्टिक योगी बनकर भी, हम जब योगी भी बन जाते हैं तो हमारी हौमे नहीं जाती है, हम अभी भी हौमे में जीते हैं. तो असली है कि हमें अपने हौमे को त्यागना है. भक्ति करनी सर्वश्रेष्ठ है पुण्य करने से. जो भक्ति करते हैं उनसे पाप तो होता ही नहीं, वो पुण्य ही कर पाते हैं. तो इसलिए भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है. और भक्ति क्या है? भगवान के नाम का जप. ट्रू एम ऑफ द योगा इज टू डू भक्ति. योग का अर्थ है जोड़ना. और असली योगा क्या है? जब हम भगवान से जुड़ते हैं. तो जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो इंद्रिय तृप्ति अपने आप ही समाप्त हो जाती है, अपने आप ही पाप जो है अब हमें छोड़कर भाग जाते हैं. भगवान कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजे त्वम पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः, सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा. तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करके अपने धाम ले जाऊंगा. तो पाप होंगे ही नहीं जब हम शरणागति देंगे, जब हम भगवान का नाम जपेंगे तो पाप नहीं होंगे. तो यही है द रियल पर्पस ऑफ योगा, दैट वी हैव टू चैंट द होली नेम. उस नाम को जपना है जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है. तो यही जो मैंने आपको बताया अभी, तो योगी जो है हम योगी भी बन जाएं, बहुत बड़े योगी सिद्धियां भी ले लें और भक्ति नहीं करें तो हमने कुछ नहीं पाया, हमने सब कुछ खो दिया, समय व्यर्थ गंवा दिया. What is the real purpose for the yoga? जो हम योगा करते हैं क्या merely it is the breathing exercises, that is we just need to control the mind. मन को control करना. आप कहोगे मन को इधर उधर भटकता है उसको वापस ले आना अपने स्थान में, अपने मन को अपने अंदर स्थिर कर लेना. So what does that mean? कि मन को अपने अंदर स्थिर कर लिया, अपने भीतर स्थिर कर लिया, अपने भीतर उसको focus कर दिया. What does that mean? जब कोई भगवान को अपनी चेतना में रख लेता है इट बिकम्स वेरी सिंपल. नहीं तो सिर्फ मन को कंट्रोल करने से, इंद्रियों को कंट्रोल करने से आप योगी बन सकते हैं, मिस्टिक योगी बन सकते हैं, बट नॉट अ डिवोटी, नॉट द ट्रू सेंस में. ये एम नहीं है लाइफ का. लाइफ का एम है इन दिस लाइफ, द एम ऑफ द लाइफ इज टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, टू इन द रियल सेंस हैव द कंट्रोल ओवर योर माइंड. So, मन वश में आता है जब हम भक्त बनते हैं, जब हम भगवान के प्रेम में सेवा करते हैं. सो दिस इज एक्चुअली पॉसिबल वन एंगेजेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. अ पर्सन हुज सेंसेस एंड माइंड आर ऑलवेज एंगेज्ड इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड हैज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एंगेजिंग इन मटेरियल एक्टिविटीज. फिर वो भौतिक इंद्रियों, भौतिक आकर्षण में नहीं फंसता है. उसका मन स्वतः ही वश में आ जाता है जब वो भगवान की भक्ति करता है.